जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु मारुकुनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हमारे शनि पीठ मंदिर नई दिल्ली से हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको वो ज्ञान बताते हैं जिससे आप अपने जीवन में और तरक्की और उन्नति कर सके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही रोचक है। बहुत से लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि गुरु माँ, हमें कौन सा रत्न धारण करना है, हम अपनी राशि के अनुसार कौन सा रत्न धारण करें ताकि हमारे जीवन में धन में वृद्धि हो, धन बढ़े, पैसा बढ़े, जॉब के हालात और बेहतर हो, प्रमोशन मिले, करियर अच्छा सेट हो जाए, बिजनेस व्यापार जो नहीं चल रहा है आगे बढ़े, फ्लरिश करे। तो उन सभी चीजों के लिए आज मैं आपको वो लकी रत्न बताने जा रही हूँ जिसे धारण करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके धन में और वृद्धि होगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने हमारा ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन, घंटे का आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई देने लगे। शास्त्र कहते हैं, किम भूषणाद भूषणमस्ति शीलम तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम केमत्र हेयम कनकम चकांता श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम। पहनने के लिए सबसे अच्छा आभूषण क्या है? योगी जन, ज्ञानी जन कहते हैं, अगर कुछ धारण करना है तो अपना अच्छा चरित्र धारण करो। आपका कैरेक्टर अच्छा हो, चरित्र अच्छा हो, आप मृदुभाषी हो, सबसे प्रेम से व्यवहार करें। अगर ऐसा आपने किया तो आप सबसे सुंदर वैसे ही दिखाई देंगे। आपको और किसी बाहरी आभूषण की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? हम यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, जगह जगह जाकर के मत्था टेकते हैं, सर झुकाते हैं, भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि सबसे बड़ा तीर्थ और कोई नहीं बल्कि अपना स्वयं का मन है जो कि शुद्ध कर लिया गया। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं है, आपके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, आप सबका कल्याण सोचते हैं, तो उससे बड़ा तीर्थ और कोई हो ही नहीं सकता। और ऐसे मन की ईश्वर हमेशा सुनते हैं। फिर शास्त्र कहते हैं कि अगर कुछ सुनना है तो हमें क्या सुनना चाहिए? हमें अपने गुरु के वाक्यों को, वेद के वाक्यों को सुनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान को सुनने से हम स्वयं जीवन में ज्ञान को प्राप्त होते हैं। और जिसके जीवन में ज्ञान है उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। हम जो दुख कष्ट काट रहे हैं उन सभी से मुक्ति होती है केवल मात्र एक ज्ञान से। मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा रत्न धारण करना है, किस हाथ में धारण करना है, किस उंगली में उसे धारण करना है, कौन सा धातु हो और किन मंत्रों से उसे मंत्र सिद्ध करें ताकि वो रत्न आपको फल प्रदान करे। अब बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को कौन सा ऐसा लकी जेमस्टोन धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे उनके जीवन में और उन्नति और तरक्की हो। मेष राशि वालों का जो स्वामी है वो मंगल देवता होते हैं। उनको एक मूंगा उनकी राशि के अनुसार बहुत ही सूट करता है, उनके लिए लकी स्टोन होता है। मूंगे के भी दो कलर आते हैं, एक लाल मूंगा होता है, एक सफेद मूंगा होता है। आपको कौन सा सूट करता है आपकी जन्म कुंडली देख करके ही निर्धारित किया जाता है। मूंगे को धारण करने के लिए आपकी वेडिंग फिंगर अनामिका उंगली में इसे धारण किया जाता है। मूंगे के लिए आप स्वर्ण यानी कि सोना, पंच धातु या चांदी में से धारण कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके क्रोध की स्थिति, आपको कितना गुस्सा आता है उसके अनुसार हम धातु का भी चयन करते हैं। मूंगे को धारण करने का जो अनुकूल समय है वो मंगलवार का दिन है और 10 से 12 बजे के बीच में इसे धारण किया जाता है। आप सभी के मन में बहुत सी भ्रांतियां होती है, बहुत से लोग आज रत्नों का प्रयोग भी कर रहे हैं लेकिन सबको रत्नों का फर्क नहीं दिखाई देता, फल नहीं प्राप्त। तो आप सभी को आज ये भी बताने जा रही हूँ कि क्यों आपको रत्नों को पहनने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है और आप फल को प्राप्त करने के लिए रत्नों की अंगूठी से आपको सही तरह से क्या करना चाहिए।
सबसे ज्यादा जो गलती हम करते हैं वो है, जैसे ही हमें पता चलता है कि अपनी राशि के अनुसार हमें कौन सा रत्न धारण करना है, हम दौड़ कर जाते हैं एक सुनार की दुकान पे, ज्वेलर की दुकान पे, और उसे बनवा करके, हम मड़वा करके अंगूठी में धारण कर लेते हैं, और करने के बाद फिर कहते हैं कि गुरु माँ हमको इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अरे फायदा होगा कैसे जब तक कि उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्धि नहीं कराते। बहुत से ज्ञानी जन, बहुत से पंडित लोग आजकल ये कहने लगे हैं कि इसे एक कच्ची लस्सी में धो करके पहन लो, या भगवान के सामने बस धूप दीप करके पहन लो, इससे आपको फल मिल जाएगा। ये भी गलत है, ये भी अधूरा है। जब तक कि आप इसके अंदर मंत्र सिद्धि प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराएंगे, ये रत्न आपको किसी प्रकार का कोई फल नहीं देंगे। ये तब तक केवल एक पत्थर आपके लिए है। हमारे गुरु जी, गुरु रजनीश जी इस बात को इस प्रकार से समझाते हैं कि मान लीजिए हम किसी मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं किसी मंदिर में। हम एक मूर्तिकार की दुकान पे जाते हैं और जाकर के वहां से एक सुंदर सी भगवान की प्रतिमा मूर्ति लेकर के आते हैं। उस मूर्ति को हम मंदिर में स्थापित कराते हैं, पंडित लोग आते हैं, ज्ञानी जन आते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद ही वो मूर्ति भगवान का स्वरूप बनती है। उससे पहले वो मात्र एक पत्थर है, भगवान की एक प्रतिमा है, और उसके बाद वो साक्षात ईश्वर हो जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जो मूर्तिकार की दुकान पे, मूर्ति बनाने वाले की दुकान पे जाकर के ही पूजा कर रहा हो, और उसी दुकान पर उसको भगवान से फल मिल रहा हो? ये संभव नहीं है। और वही मूर्ति जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, मंदिर में स्थापित हो जाती है, तो वह आप सभी को आशीर्वाद देती है, आप सभी को फल प्रदान करती है, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी प्रकार से ये पत्थर, ये जेम स्टोन, ये रत्न, जब तक कि ये किसी ज्वेलर की दुकान के अंदर है, किसी ज्वेलर के पास है, या आपने बस ऐसे ही इन्हें बनवा करके पहन लिया, या आपको कोई फल प्रदान नहीं करेंगे। जब तक कि आप इसमें सही प्रकार से किसी योग्य व्यक्ति से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराएंगे, ये आपको कोई फल प्रदान नहीं करता, ये मात्र एक पत्थर रह जाता है। लेकिन जब आप इसे किसी योग्य विद्वान व्यक्ति से मंत्र सिद्ध कराते हैं, तो ये आपको अपनी शक्ति का आभास कराते हैं। 1 घंटे से लेकर 43 दिन में आपको इनकी शक्तियों का आभास होने लगता है। तो इसलिए ये आपके उस प्रश्न का उत्तर है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने रत्न पहना, अपनी राशि का रत्न भी पहना है, लेकिन हमें कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा, उसकी कमी उसके अंदर मंत्र सिद्धि की। अब इस बात पे भी गौर करें कि मंत्र सिद्धि कौन कर सकता है? कोई भी आम व्यक्ति इसको मंत्र सिद्ध नहीं कर सकता है। मंत्र सिद्ध करने के लिए जो योग्यता चाहिए, वो एक ऐसा व्यक्ति जिसने नवग्रह मंत्रों को सिद्ध कर रखा, जिसने समस्त नवग्रह देवताओं के एक एक मंत्र को सिद्ध किया हो, वर्षों से उसकी साधना और तपस्या कर रहा हो, जिसके हाथ अब सिद्धि हो गई हो, अगर वो इन अंगूठियों को मंत्र सिद्ध करेगा, तभी ये आपको काम करेगा। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि संसार में कितने कम ऐसे लोग हैं जिनके पास वास्तव में मंत्र सिद्धि है, जो मंत्रों को सिद्ध करते हैं और उसके बाद लोक कल्याण के लिए उसको दूसरों के साथ बांटते हैं। तो ऐसे किसी योग्य व्यक्ति से मंत्र सिद्ध कराने के बाद ही आपको कोई भी रत्न धारण करना चाहिए, तभी वो आपको फल प्रदान करता है, अन्यथा आपके पैसे व्यर्थ हो जाएंगे, वो केवल एक फैंसी ज्वेलरी बन करके रह जाएगा। हमारे गुरु जी, गुरु रजनीश ऋषि जी, उन्होंने इस साधना को प्राप्त किया। वो आज से लगभग 30-32 साल से नवग्रह मंत्रों की साधना कर रहे हैं और भगवान की कृपा से उनको सिद्धि भी प्राप्त है। वो 133 देशों में जब इन मंत्र सिद्ध अंगूठियों को भेजते हैं, तो लोग स्वयं आकर के हमें बताते हैं कि उनको उनके जीवन में कितना चमत्कार देखने को मिला। अगर आप भी हमारे यहाँ से, हमारे शनिपीठ मंदिर से किसी भी प्रकार की कोई भी अंगूठी मंत्र सिद्ध करके कोई रत्नों की अंगूठी मंगवाना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप उन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरु जी, गुरु रजनीश ऋषि जी अथवा मैं आपकी जन्म कुंडली देखने के पश्चात आपको आपके घर तक मंत्र सिद्ध करा के आपको फल देने वाली अंगूठी अवश्य ही भिजवाएंगे। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगी, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है,
चाहे वो धन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा या बिजनेस में आपको घाटा हो रहा है, आपका जॉब अच्छी नहीं चल रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रही या करियर आपका सही सेट नहीं हो रहा है, या मैरिज को रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, प्रेम से संबंधित कोई इश्यू आ रहा है, या पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई दिक्कत है, आपके बच्चों को लेकर के कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बिना किसी झिझक हमारे जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं उस पर हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। मुझे अथवा हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी को अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं ताकि जन्म कुंडली देख करके हम आपको सही और सटीक परामर्श दे सके। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली नहीं है तो हम उन सभी की फेस रीडिंग करके और प्रश्न कुंडली के अनुसार उनके ग्रह दशा को देखते हैं और उसके हिसाब से आपको सटीक और सफलता देने वाले उपाय बताते हैं। इस सेवा को प्राप्त करने के लिए एक छोटी सी फीस लगती है जो कि हमारे शनि पीठ मंदिर के संचालन के काम आती है और जो सामाजिक कार्य हम करते हैं उन सभी में प्रयोग की जाती है। जैसे हर शनिवार को हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं या समय समय पर गरीबों के बीच में अन्नदान करते हैं, या जो मैं गरीब लड़कियों को कंप्यूटर सिखाती हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको मल्टीमीडिया वेब डिजाइनिंग का जो कोर्स और डिप्लोमा हम कराते हैं बिल्कुल निःशुल्क, उसके लिए ये सब प्रयोग की जाती है और उन्हीं लड़कियों को स्कॉलरशिप देने के काम आती है ताकि वो आत्मनिर्भर होके अपने जीवन में कुछ कर सके। तो आप इन सेवाओं में भी अपनी कुंडली दिखाने के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। इन मंत्र सिद्ध अंगूठियों को धारण करने के पश्चात सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, बीमारियां आपसे कोसों दूर भागती है, आपका मन प्रसन्न रहता है, मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है, आप स्वयं में अपने आप को दृढ़ मजबूत महसूस करते हैं, अंदर से भी बाहर से भी, आपके आसपास के लोग आपका मान सम्मान करते हैं, आपके धन के भंडार बढ़ने लगते हैं, आपको जीवन में तरक्की होती है, आपके भाग की भी वृद्धि होती है, आपके किस्मत के जो सितारे हैं और बुलंद हो जाते हैं और हर कार्य में आपको सफलता मिलती है, आपको उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होती है, आपकी पत्नी अथवा पति से और मधुर संबंध बनते हैं, घर में और मधुर संबंध बनते हैं, आपके जीवन से लड़ाई झगड़े दूर हो जाते हैं, आपके सास बहुओं के बीच में कोई कलह है तो वो भी दूर हो जाता है, कोई भाभी नंद के बीच में कोई कलह है, कोई परेशानी है, मन मुटाव है तो वो भी दूर हो जाता है, माता पिता के संबंध अपनी संतान से मधुर और अच्छे बनते हैं और हमें जीवन में ओवरऑल बहुत ही खुशियाँ प्राप्त होती है, सुख शांति प्राप्त होती है। आप सभी को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ, भगवान आप सभी पर कृपा दृष्टि बरसाएं, यही मेरी मंगल कामना है। जय शक्ति। क्या आपका बिजनेस फेल हो गया है? क्या आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके काम धंधे पर किसी की बुरी नजर लग गई है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें